गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रंजीत कुमार। टुडे आई एम टीच यू मैथ्स क्लास वन। आज हम लोग पेज नंबर 52 पढ़ेंगे। पेज नंबर 52, पेज नंबर लिखते हैं पेज नंबर 52 मैथ्स का। कल हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन, आज की एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐड ऐड चैप्टर है ये एडिशन, TION। आज हम पढ़ेंगे कि इन हाउ वे कैन वी गेट एट, यानी किस किस तरीके से हम लोग एट को बना सकते हैं, नहीं यानी कौन कौन सा डिजिट जोड़ेंगे तो एट आ जाएगा। पेज नंबर आज हम लोग पढ़ेंगे 52 दिया हुआ है। इन हाउ मेनी वे कैन वी गेट एट, यानी यहां स्नेक का फिगर बनाया हुआ है, वन स्नेक और यहां सेवन स्नेक है, तो वन और सेवन मिलकर कितने हो जाते हैं, तो एट, यानी वन और सेवन में ऐड करें तो क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। फिर एट और कौन कौन से डिजिट को ऐड करेंगे तो एट आता है। 2+6 दिया हुआ है, 2+6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एट। ये फिगर बनाया हुआ है, सारा स्नेक का फिगर हुआ, 2+6 6 बराबर 8, फिर 3+5, 3 और 5 का स्नेक स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। यानी ये देखिएगा किस किस तरीके से कौन 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 से डिजिट ऐड कर रहे हैं, तो यहां 8 आ रहा है। फिर यहां देखिए 4+4 बराबर क्या आ जाएगा, 8। फिर यहां देखिए 5+3 बराबर क्या हुआ, 8। फिर 6+2 बराबर क्या हो जाएगा, 8। फिर 7+1 बराबर क्या हुआ, 8। यानी किस किस तरीके से, यानी 7 में 1 को ऐड किए, यहां फर्स्ट में देखिएगा 1+7 बराबर 8, फिर लास्ट देखिए 7+1 बराबर 8। यानी 1 स्नेक्स और 7 स्नेक्स मिलकर कितने हुए, दोनों को एडिशन का मतलब कल हम आप लोग को बताए थे कि दो संख्याओं या दो मानो या वस्तुओं को एक जगह कलेक्ट रखना एडिशन होता है, जोड़ना। तो 1+7 बराबर क्या हुआ, 8। तो इसको काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है 2 स्नेक्स एंड 6 स्नेक्स, 2 स्नेक्स और 6 स्नेक्स मिलकर कितने बने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8। फिर नेक्स्ट में दिया हुआ 3 स्नेक्स और 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 8। फिर नेक्स्ट में दिया हुआ 4+4, 4 स्नेक्स प्लस 4 स्नेक्स यानी 8। फिर नेक्स्ट में दिया हुआ 5 स्नेक्स और 3 स्नेक्स, तो 8। फिर नेक्स्ट में दिया हुआ 6 स्नेक्स 2 स्नेक्स 8। फिर नेक्स्ट में दिया 7 स्नेक्स और 1 स्नेक यानी 8। यानी इसी तरीके से एक ये तरीका हुआ, यानी 1 में 6 को ऐड किए, 7 को ऐड किए तो 8 हुआ, 2 में 6 को ऐड किए तो 8 हुआ, 3 में 5 को ऐड किए तो 8 हुआ, 4 में 4 को ऐड किए तो 8 हुआ, 5 में 3 को ऐड किए तो 8 हुआ, 6 में 2 को ऐड किए तो 8 हुआ, 7 में 2 को ऐड किए तो 8 हुआ। ये पेज नंबर हमारा 52 में है, ये एडिशन चैप्टर में है, तो ये हुआ। या हेडिंग दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी गेट 8, और वी फाइंड 1+7 इज द सेम, यानी हम लोग पाते हैं 1+7 को अगर ऐड करेंगे, 1+7 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 1 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 8 हुआ, और 7+1 को भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो नीचे दिया हुआ है वी फाइंड 1+7 इज द सेम एज 7+1 इज यानी दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो सेम ही आंसर आता है। यानी ऐड जो है वो भिन्न तरीके से, यानी 2 को 6 में ऐड करें तो 8, या 6 को 2 में ऐड करें तो 8। फिर यहां नीचे दिया हुआ है कि कितने ऐड करेंगे कि 8 बनेगा, तो 1 में क्या ऐड करेंगे हम, फिर ब्लॉक्स नीचे में दिया हुआ है 1 में क्या ऐड करेंगे, 1+1 यानी फिर ब्लॉक्स, तो 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। फिर 2 में क्या ऐड करेंगे, 2 में व्हाट ऐड करेंगे कि 8 बनेगा, 6, तो यहां 8 बन जाएगा। फिर 3 में क्या ऐड करेंगे, तो 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा।
फिर यहाँ फोर दिया हुआ है, फोर प्लस वन यानी फोर में क्या ऐड करेंगे तो एट बनेगा, तो फोर। फिर दिया हुआ है फाइव, फाइव प्लस वन बराबर यानी फाइव में क्या ऐड करेंगे तो फाइव के बाद, फाइव के बाद काउंट करेंगे। देखिए काउंट करके भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, यानी अगर वन प्लस वन बराबर एट, एट यानी अगर समझ में नहीं आए तो काउंट करेंगे, वन के बाद कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि एट आता है, तो वन के बाद क्या आता है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यानी फाइव और यहाँ टू यानी सेवन। फिर कह रहा है टू, तो टू के बाद काउंट करेंगे, टू के बाद क्या आता है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट यानी सिक्स, यहाँ सिक्स लिखेंगे। फिर यहाँ दिया हुआ थ्री प्लस वन यानी दिया रहा है कि थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन बराबर एट, तो थ्री छोड़ देंगे, थ्री के बाद काउंट करेंगे कि कितना कितना अंक काउंट करते हैं कि एट आता है। थ्री के बाद क्या आता है फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितना हुआ फाइव, तो यहां भर देंगे फाइव। ठीक उसी प्रकार इसमें फोर प्लस फोर, फोर प्लस वन बराबर एट, तो फोर में कितना ऐड करेंगे कि एट होगा, तो फोर लिखा हुआ उसके बाद फिर काउंट करेंगे, तो फोर के बाद क्या आता है काउंटिंग में फाइव सिक्स सेवन एट यानी फोर, यहाँ फोर लिख देंगे। फिर यहाँ दिया हुआ एट, तो फाइव के बाद क्या पढ़ेंगे, फाइव के बाद जो डिजिट दिया है, जो संख्या दिया है और उसके बाद दिया है एट, तो यहाँ फाइव के बाद सिक्स सेवन एट या थ्री। एक तरीका और होता है ऐड करने का, एक तरीका ऐसा ऐड करने का और होता है, सपोज दैट यह दिया है टू प्लस वन बराबर एट, यानी टू में कितना फिर ऐड करेंगे एट, टू में कितना ऐड करेंगे भी एट होगा, तो इसका एक और तरीका होता है, यानी इस संख्याओं को बिगर स्मॉलर को बिगर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी यहां क्या है एट और एट यहां क्या है टू, एट में से टू जाएगा तो क्या हो जाएगा सिक्स, यहां सिक्स करेंगे तो एट हो जाएगा। एक ये तरीका होता है और एक ये, और दूसरा तरीका ये होता है कि यहां कोई संख्या नहीं दिया रहा है तो टू के बाद काउंट करते हैं, टू के बाद कितना डिजिट यहां करेंगे एट आएगा, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट यानी सिक्स, तो यहाँ सिक्स कर देंगे एट हो जाता है। तो इस प्रकार ऐड बनता है। अब पेज नंबर हम लोग 53 देखते हैं, ये हुआ 42, आज हम फिर अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं लोग पेज नंबर 53, ये एडिशन ही है। अब कह रहा है कि इन हाउ मेनी वे कैन वी क्रिएट नाइन, यानी आप किस किस तरीके से नाइन को बना सकते हैं। आज हम लोग पेज नंबर ले यहां देखेंगे 53, पेज नंबर 53 यानी नाइन, फर्स्ट में दिया हुआ है कि नाइन बराबर वन और वन, यानी नाइन बनाना है तो कौन कौन सा अंक यानी कौन कौन सी संख्या को यहां लिखेंगे कि नाइन हो जाएगा, तो कुछ भी या टू लिख सकते हैं, सेवन लिख सकते हैं, तो नाइन हो जाएगा, टू और सेवन को यहां ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा। फिर यहां दिया हुआ है नाइन यानी वन और एट, यानी वन कोई ऑब्जेक्ट हो और एट ऑब्जेक्ट हो कितना बन जाएगा नाइन बन जाएगा, यानी एट और वन भी हो तो नाइन हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया हुआ है नाइन यानी टू और कितना, यहाँ नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ नाइन बराबर वन, नाइन बराबर वन यानी कितने ऑब्जेक्ट है तो वन टू, तो टू और यहाँ कितने हैं तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन तो टू और सेवन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा नाइन बन जाएगा। फिर इसको उलट के अगर देखेंगे तो सेवन और टू को करेंगे तो भी नाइन बन जाएगा, टू और सेवन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा नाइन, सेवन और टू को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा नाइन। ये नेक्स्ट देखें नाइन ही बनाना है, किस किस तरीके से बनता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहां नाइन दिया बराबर वन, एक तरीका और है थ्री और सिक्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा नाइन, फिर नाइन बराबर वन सिक्स और थ्री को भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा नाइन, ये दो तरीके से नाइन हो जाएगा, थ्री में सिक्स को ऐड करेंगे तो नाइन, सिक्स में थ्री को ऐड करेंगे तो नाइन। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है नाइन बराबर
यानी कौन कौन सी, यहाँ ये लिखने का तात्पर्य यह हुआ कि कौन कौन सी संख्या है, कौन कौन सा अंक डिजिट रखेंगे यहाँ 9 हो जाएगा। तो 4 + 5, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 5 और 4 को भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी 4 में अगर 5 को ऐड करते हैं तो 9, 5 में 4 को ऐड करते हैं तो 9। यानी 9 संख्याएं 9 को ऐड करने का विभिन्न तरीके हैं, विभिन्न वे रास्ते हैं। यानी 3 में 6 को ऐड करेंगे तब भी 9, 6 में 3 को ऐड करेंगे तब भी 9, 2 में 7 को ऐड करेंगे तब भी 9, 7 में 2 को ऐड करेंगे तब भी 9, 4 में 5 को ऐड करेंगे तब भी 9, 5 में 4 को भी ऐड करेंगे तो तब भी 9। तो वी फाइंड 1 + 8 इज द सेम 8 + 1। यानी 1 में 8 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 9, 1 में 1 + 8 बराबर क्या होता है 9, और 8 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 9। यानी ये इस तरीके से भी 9 हो सकता है और इस तरीके से भी 9 हो सकता है। अब कोई कह रहा है कि फाइंड 1 + 8 इज द सेम एज 8 + 1, यानी 2 + 7 इज द सेम 7 + 2, 6 + 3 इज द सेम एज 6 + 3 3 + 6 एंड 4 + 5 इज द सेम एज 5 + 4 इज। यानी 9 जो है, ये 9 अगर ऐड करना है तो भिन्न-भिन्न तरीके से अगर हम 9 बना सकते हैं, कोई भी दो संख्याओं को ऐड करके हम 9 बना सकते हैं। 1 + 8 को भी ऐड करके 9 बना सकते हैं, 8 + 1 को भी ऐड करके 9 बना सकते हैं, 3 + 6 को भी ऐड करके 9 बना सकते हैं, 6 + 3 को भी ऐड करके 9 बना सकते हैं, 4 + 5 को भी ऐड करके 9 बना सकते हैं, 5 + 4 को भी ऐड करके हम लोग 9 बना सकते हैं। ये समझ गए, ये एडिशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कि आज हम लोग पढ़े कि 8 कैसे, कौन कौन से डिजिट से बन सकता है और 9 किस किस डिजिट से बन सकता है। कल हम लोग एडिशन ऑफ जीरो यानी कंसेप्ट ऑफ जीरो, कल हम लोग जीरो के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या में कोई भी अंक हो जीरो को ऐड करने पर क्या होता है। एंड कुछ होमवर्क हम दे रहे हैं आज आप लोग को, ये होमवर्क पेज पर आप लोग नोट कीजिएगा। Fill in the blanks. To make some seven. ये heading हुआ। कुछ numbers हम दे रहे हैं, उसमें कितनी संख्याएं को add करेंगे कि seven बने। 6 plus 1 बराबर 2 नंबर, 5 plus 1 3rd नंबर, 4 plus 1 4th नंबर, 3 plus 1 5 नंबर, 2 plus 1 6th नंबर, 1 + 1। यानी इससे हमको क्या बनाना है, यहाँ हेडिंग दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सम सेवन, यानी 6 में कितना ऐड करेंगे कि 7 हो जाएगा। यहाँ 7 7 7 7 7 7। तो बताती है दो तरीके होते हैं, 6 के बाद काउंट करेंगे कितने नंबर होते हैं, तो 6 के बाद कौन सा नंबर कितना काउंट करेंगे कि 7 आएगा, 1, तो 6 तो यहां 1 डाल दें, या इसका बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे और जो नंबर्स आएंगे वो यहां फिल अप कर देंगे तो 7 हो जाएगा।
तो ये आपका एसडब्ल्यू रहा, होमवर्क रहा। कल हम लोग फिर कंसेप्ट ऑफ जीरो के बारे में पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ जीरो कि जीरो जो होगी एडिशन में ऐड में जीरो को ऐड करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, समझ गए, इसको उतार दीजिए आप लोग। 6 + 1 = 7, 5 + 1 = 7, 4 + 1 = 7, 3 + 1 = 7, 2 + 1 = 7, 1 + 1 = 7। ये आपका एसडब्ल्यू रहा, इसको घर से बनाइएगा, नोट बुक पर बनाइएगा, इसको चेक किया जाएगा। नोट कर लिए होंगे, थैंक यू, हैव ए गुड डे।